नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं एक मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की बात करूंगा। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नी स्ट्रीम पे आ रही है। यह मलयालम का मौलिक OTT चैनल है और यहाँ मलयालम की बहुत सारी फिल्में उपलब्ध हैं। इस फिल्म को देखने के लिए या तो आप उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लें या इस एक फिल्म के लिए 140 रुपये दे करके आप यह फिल्म देख सकते हैं। पैसा वसूल फिल्म है, 140 रुपये आपको भारी नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं चाहूँगा हिंदी फिल्मों के ऐसे दर्शक जो हिंदी फिल्मों के कंटेंट से और यहाँ पर महिला केंद्रित बन रही फिल्मों से ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनका भी रवैया लगभग एक जैसा हो चुका है, उन्हें यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से किरदारों का चित्रण किया गया है, जो चरित्र निर्माण किया गया है और जिस तरीके से पूरी फिल्म चलती है, वह बहुत कुछ उद्घाटित करती है। सिनेमा की एक नई शैली बताती है, एक नए शिल्प में ये कहानी इतने मारक तरीके से हमारे बीच में आती है कि चौंका देती है। उत्तर भारत में बहुत सारे पुरुष दर्शक और पुरुष जो हैं, वे आदतन जिस तरीके के व्यवहार करते हैं और जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, उन्हें इस फिल्म को देखते हुए झटका लग सकता है। क्योंकि वे जिसे रोज़मर्रा की चीज़ें मानते हैं और जिसे मानते हैं कि बहुत नियमित और रेगुलर बातें हैं, इसमें ऐसी क्या बात है, उनको यह फिल्म देखकर झटका लग सकता है कि अरे ऐसा होता है, ऐसा हमसे हो जाता है। और उन्हें यह फिल्म कहीं ना कहीं आई ओपनिंग होगी और उनके लिए यह फिल्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं और युवा दंपति हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर देखें, और आपके परिवार में अगर इस तरीके की असमानता बरकरार है जहां महिलाएं घर का सारा काम करती हैं और पुरुष हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते, एक कप चाय तक नहीं बना सकते, उन्हें इसे देखते हुए गिल्ट की फीलिंग हो सकती है, और अगर वे खुले दिल के होंगे, खुले दिमाग के होंगे, तो इसे सीख सकते हैं। जो बेबी ने बहुत शानदार तरीके से इस फिल्म की संरचना की है और इसे बुना है, 1 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, लगभग 1 घंटे 41 मिनट की यह फिल्म है, और 1 घंटे से ज़्यादा समय तक सिर्फ कार्य व्यापार दिखता है। पत्नी घर में क्या क्या कर रही है, पति घर में क्या क्या कर रहा है, एक दूसरे से किस तरीके के मिनिमम संवाद हो रहे हैं, पत्नी किस तरीके से लगातार उसकी खीज बढ़ती जा रही है, कैसे उसकी ऊब बढ़ती जा रही है, और कैसे वह एक सामान्य सी बात करती है तो वहाँ से बात कैसे टेढ़ी होनी शुरू होती है, बिगड़नी शुरू होती है। और फिर एक वक्त आता है जब गृहिणी, हाउसवाइफ, द ग्रेट इंडियन किचन की कर्ता धर्ता विद्रोह कर देती हैं, और फिर वह इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है दर्शकों के ऊपर कि वे चौंक जाते हैं और अपनी करतूतों को जांचने और परखने का उनको मौका मिल सकता है। मैं इस फिल्म को हाईली रिकमेंड कर रहा हूं सभी उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए, खास करके जो सामंती समाज और संयुक्त परिवार में माता पिता के लिहाज और सामाजिक दबाव, परिवार की परंपरा आदि के नाम पर शोषण का सिलसिला, असमानता का सिलसिला, गैर बराबरी का सिलसिला बरकरार रखे हुए हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी मिलेगी। फिल्म कोई नारा नहीं करती, कोई उद्घोष नहीं करती, कोई संवाद नहीं है बहुत ज़्यादा, न संवादों का संघर्ष है, न एक दूसरे पर आरोप आक्षेप है। फिल्म बहुत सामान्य तरीके से आगे बढ़ती है, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, डेली कोरस को लेकर के, रोज़मर्रा के रूटीन को लेकर के, और उसी के जरिए बिल्ट करती है कहानी। एक तनाव बिल्ट होता है और उस तनाव का जब विस्फोट होता है तो सब कुछ जाहिर होता है। तो जियो बेबी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत ही सलीके से ये बात रखी है। फिल्म में आखिरी कुछ दृश्यों में
आपको लग सकता है कि थोड़ी जल्दबाजी की गई है और इतना सपाट बयानी हो गई है या बहुत सरलीकरण हो गया है या लड़की को सब कुछ हासिल हो गया है या बहुत सामान्य तरीके से दिखा दिया गया है। मेरे ख्याल में निर्देशक का उद्देश्य यही रहा है कि वह आपको थोड़ा सचेत कर सके, थोड़ा जागरूक कर सके और थोड़ा आधुनिक समय का पुरुष और पति बना सके। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल। और हाँ, इस फिल्म को मैं 4 स्टार देना चाहूँगा।